गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर शुभ कर्मन। शुभ मीन्स चंगा, कर्मन मीन्स काम, चंगा काम। रोको रोको रिक्शा रोको। रिक्शे विच बैठी सिंपी ने अपनी रिक्शा रोकन लई उच्ची उच्ची रिक्शा वाले नू कहा। रिक्शा रुकद्या ही वह छाल मार के उतरी अते कुछ कदम पिछे वल तुर पई। ठीक है, मतलब सिंपी जड़ी एक लड़की सी, ठीक है, वो रिक्शे विच बैठ के अपने घर जा रही सी, बट उन्हें अचानक ही रिक्शे वाले नू उच्ची उच्ची रिक्शा रोकन लई कहा। जदों रिक्शे वाले ने रिक्शा रोकया तो वह छाल मार के, छाल मीन्स मतलब तेजी नाल रिक्शे तो नीचे उतरना, छाल मार के नीचे उतर गई तो कुछ कदम पिछे वल तुर गई। सड़क किनारे एक बड़ा गरीब जिहा बजुर्ग आदमी जिसने बड़े पुराने जे कपड़े पाए हुए सन तड़फ रहा सी। जदों कुछ कदम पिछे गए तो उन्हें की वेख्या कि सड़क के किनारे ते एक बजुर्ग मीन्स बुढ़ा, ठीक है, बुढ़ा आदमी जड़ा सीगा सड़क ते डिग्या पिया सीगा, उन्हें पुराने जे कपड़े पाए हुए सी ते दर्द नाल तड़फ रहा सी। सिंपी उसके कोल पहुंची, उसनू आवाज़ दिती, पर बुजुर्ग आदमी ने कोई जवाब ना दिता। मतलब जदों सिंपी आदमी के कोल पहुंची उन्हें बुढ़े आदमी नू बुलाया, ठीक है, बट जड़ा बुढ़ा आदमी सी उन्हें अगों सिंपी दी गल दा कोई जवाब नहीं दिता। ओहो शायद बुखार जा किसे दर्द करके निडाल पिया सी, ठीक है, मतलब जाता उन्हों बुखार होया सी ते या फिर उन्हों दर्द हो रही सी। निडाल मीनस जदों बंदे विच जान ना रवे, ठीक है। सिंपी ने अपने रिक्शे वाले नू आवाज़ दिती कि रिक्शा उसके कोल लै आवे। रिक्शा बुजुर्ग आदमी दे कोल आ गया। उसने रिक्शे वाले दी अते एक राहगीर दी मदद नाल बुजुर्ग आदमी नू रिक्शे विच बिठाया ते अपने घर वल तुर पई। हुण जदों बुजुर्ग आदमी ने कोई जवाब नहीं दिता तो सिंपी ने की किता, जिहड़े रिक्शे तो बैठी सी उन्हें उस रिक्शे वाले नू आपदे कोल आवाज़ दिती ते उन्हूं आपदे कोल बुलाया, ठीक है, ते नाल ही उन्हें सड़क ते जाते किसी राहगीर, राहगीर मीनस जड़ा कोई सड़क ते जा रहा होवे, ठीक है, उन्हें किसी होर राहगीर नू बुलाया ते उन्हां इन्हां दोवां दी मदद नाल उन्हें की किया, जड़ा बुजुर्ग आदमी से उन्हूं रिक्शे विच बिठाया ते अपने घर लै आई। सिंपी एक बड़े सधारण घर की लड़की सी। उसके पिता जी किसी प्राइवेट दफ्तर विच कलर्की का काम करते, माँ घर विच कपड़े सिउण दा काम करती सी। मतलब सिंपी जड़ी सी सधारण घर की लड़की सी, मतलब ना तो ज़्यादा अमीर सी ते ना ही ज़्यादा गरीब सी। उनके पिता किसी प्राइवेट दफ्तर विच काम करते सी ते माँ जड़ी सी घर विच कपड़े सिउंदी सी। सिंपी भी अपनी माँ दे काम विच हाथ मंडाउंदी अते घर दा सारा काम काज संभालदी, ठीक है। हाथ मंडाउणा मीनस किसी दे काम विच उनकी सहायता करना, ठीक है। सिंपी अपनी माँ नाल घर के कामों में भी हाथ मंडाउंदी सी, मतलब कपड़े सिउण के कामों में भी हाथ मंडाउंदी सी। पहलियां तरीकां होण करके वह घर की रसोई लई कुछ राशन पानी लैन गई सी। वापसी ते जदों वह राशन लैके घर आ रही सी तो उसने बजुर्ग आदमी नूं सड़क किनारे पिया वेख्या ते उसका कोमल हिरदा पुकार उठा कि इस बुजुर्ग आदमी की पूरी तरह देखभाल करनी चाहिए है अते किसी वड्डे डॉक्टर कोलों इसका इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। मतलब पहली तरीक आ गई सी, इस करके सिंपी कित्थे गई सी, बाजार गई सी घर का कुछ राशन पानी लैन, ठीक है, राशन पानी मतलब खाण पीन दी चीज़ा जड़िया सी वो लैन गई सी। पर जदों राशन लैके घर वापस आ रही सी तो उन्हें की वेख्या कि सड़क किनारे एक जड़ा बुजुर्ग आदमी सीगा वो दर्द नाल तड़फ रहा सीगा, ठीक है, ते सिंपी दा जड़ा कोमल हिरदा मीनस उनका मन, ठीक है, उनका दिल, मतलब ये कहन लग्या कि मैनू इस बुजुर्ग आदमी की पूरी तरह देखभाल करनी चाहिए है, तेनू किसी वड्डे डॉक्टर को ले जाके इनका इलाज करवाना चाहिए। सिंपी भावें घरदियां नू पुछे बिना मरीज घर लै आई, पर घर जांदियां ही उसकी माता जी ने बुजुर्ग आदमी नू संभालन विच बहुत मदद की, कहा सिंपी बेटा ये तू अज बड़ा नेक काम किया है, असी सारे रल के इन्हां बजुर्गों की सेवा करांगे अते डॉक्टर नू बुला के इलाज करवावांगे। मतलब सिंपी आपदे मम्मी पापा नू पुछे बिना ही मरीज नू घर लैके आई सी, बट ये नहीं कि जदों वो घर गई तो उनके मम्मी पापा उनके नाल गुस्सा होए, बल्कि उन्होंने उनकी माँ ने भी की किया कि तू कि आप इस बुजुर्ग आदमी नू संभालन विच, मतलब आप इस बुजुर्ग आदमी नू संभालांगे, ठीक है, इन्हां दी सेवा करांगे ते डॉक्टर कोल इन्हां दा इलाज करवावांगे। मतलब सिंपी दी माता जी भी सिंपी दे काम ते खुश होए सी ते उन्होंने उन्हूं शाबाश दित्ती सी।
ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਨਬੀ ਮੀਨਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੰਪੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ। ਓਕੇ।